फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कि नेवी रूम। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बात कर रहा हूँ कि आप किस तरीके से नेविगेशन बटन को चेंज कर सकते हैं, यानी कि ये बटन को आप हाइड भी कर सकते हैं। जेस्चर्स जो बोलते हैं, स्वाइप जेस्चर्स जो होता है उसको इनेबल कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे और भी चेंज कर सकते हैं। ये वाला लगा सकते हैं कि ये बैक बटन उधर चला गया, अब बैक बटन इधर आ गया, इसको सेव कुछ करने की जरूरत नहीं होता, बस बैक कर देंगे तो आ जाएगा। लेकिन मैं आपको शुरू से बताता हूँ ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद डिस्प्ले वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे नेविगेशन बार को ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस स्वाइप वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका ये जेस्चर्स ऑन हो जाएगा और यहाँ से आपका ये हट जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो आपका जो बैक बटन था वो हट चुका है। मान लीजिए मैं किसी को ऐप्स को यूज़ करना है, मान लीजिए मैंने यूट्यूब को ऑन कर दिया। ऑन करते ही अब मैं इसको बैक करना है तो कैसे करेंगे, तो जस्ट इस पर इधर क्लिक कीजिए और या फिर ये यहाँ पे इस तरीके से हटा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और मान लीजिए मैं कैमरा को ओपन कर लेता हूँ और इसको मैंने ऐसे क्लिक किया, हट गया। ऐसे करना है बस। तो इसी प्रकार से आप अपना कोई भी फीचर्स को हटा सकते हैं। और इसको बैक करना हो तो जैसे कि मान लीजिए मैंने ये वाला पेज खोल लिया और यहाँ पे मैंने ये वाला पेज खोल लिया, इसको बैक करना हो तो आप इस तरीके से एक बार इधर स्लाइड करेंगे तो ये यहाँ पे एक ये एरो आ जाता है, इसे बैक हो जाता है। ये बैक बटन की तरह ही होता है। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।